हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एनालाइजिंग स्टॉक मार्केट। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंडल्को के बारे में और उसका स्टॉक एनालिसिस करने वाले हैं 17th दिसंबर 2021 के लिए। तो चलिए अब हम जाते हैं सीधा हमारे चार्ट पे। तो यहाँ पे ये चार्ट मैंने ओपन कर लिया है। ये चार्ट मैंने अपने ज़ीरोधा के अकाउंट से ओपन किया। अगर आपके पास अभी तक अपना डीमैट अकाउंट नहीं है तो नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में ज़ीरोधा की और अपस्टॉक्स ये दे दी है। अगर आप चाहे तो हमारे लिंक के थ्रू जो है अपस्टॉक्स में अपना डीमैट अकाउंट जो है वो बिल्कुल ही फ्री में ओपन कर पाओगे और वहाँ से जो अपनी ट्रेडिंग जर्नी जो है स्टार्ट कर पाओगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं हिंडल्को में सबसे पहले आज के दिन क्या हुआ। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं आज के दिन हिंडल्को में हमें 1.71% का यहाँ पे नेगेटिव क्लोजिंग देखने मिला है और यहाँ पे क्लोजिंग जो हुई है वो हुई है 450.50 पे। तो क्या आने वाले दिनों में ऐसा ही जो यहाँ पे डाउन साइड रहने वाला है या फिर कोई अपसाइड मूवमेंट आने वाली है उस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे कल के लिए आपका क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पर मद्दा जरूर जो यहाँ पे आपको बताएंगे। बाकी यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे हमें क्या लगता है स्टॉक में कल के दिन क्या हो सकता है जरूर जो हमारा एक ओपिनियन देंगे। तो चलिए बिना समय गए हम जाते हैं सीधा हमारे वन डे के चार्ट में। वहां पे देखते हैं आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है। तो यहाँ पे वन डे का चार्ट हमने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे वॉल्यूम की, वॉल्यूम यहाँ पे एवरेज जो है हमें देखने मिल रहा है और यहाँ पे कैंडल जो है यहाँ पे मीडियम साइज की कैंडल जो बनी है जो 50 MA के नीचे यहाँ पे क्लोज होते हुए देखने हमें मिल रही है। बात करूँ अगर मैं RSI की, RSI यहाँ पे एकदम ही न्यूट्रल हो चुका है। 50 के आसपास ही जो यहाँ पे आ चुका है RSI जो हमें दोनों साइड का इशारा देता है। इसकी वजह से मैं हमेशा कहता हूँ RSI हो या फिर कोई इंडिकेटर, हम जो है इंडिकेटर्स पे सिर्फ और सिर्फ अकेले पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी स्टॉक को जो मूवमेंट देते हैं हमें जो है उसे ज़रूर कंसिडर करना चाहिए। तो ज़रूर जो आप उसे भी यहाँ पे नज़र में बना के रखें। बाकी यहाँ पे बात रही मेरे ओपिनियन की इस स्टॉक में आने वाले दिनों के लिए, ये स्टॉक जो है मेरे लिए अभी भी यहाँ पे नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि स्टॉक जो है अभी भी यहाँ पे जो है फिलहाल उसका जो है 20 MA 50 MA के नीचे चल रहा है जो यहाँ पे एक स्टॉक को नेगेटिव कर देता है। और साथ ही साथ यहाँ पे नीचे 200 MA का यहाँ पे अच्छा सपोर्ट भी जो ऐसा लग रहा है यहाँ पे हमें देखने मिल सकता है। तो हाई चांस है स्टॉक जो है यहाँ पे आपको 415 तक आते हुए देखने मिल सकता है। इवन 410 तक भी जा सकता है यहाँ पे करंटली जिस तरह से यहाँ पे स्टॉक जो है नीचे जाएगा। यहाँ पे हाई चांसेस स्टॉक जो है आपको नेगेटिव ही देखने मिल सकता है आने वाले दिनों में। बाकी आपको क्या लगता है स्टॉक में आने वाले दिनों में क्या हो सकता है हमें जरूर कमेंट करके बताना। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो अभी के अभी जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ जो बेल आइकन को भी दबा दे क्योंकि हम जो है आप सभी के लिए एवरी डे फोर वीडियोज मतलब 4 स्टॉक्स जो है एनालाइज करके लाते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट डे और आने वाले दिनों में स्टॉक में क्या देखने मिलने वाला है पूरा का पूरा वहां पे आपको जो चार्ट के बेसिस पे समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए कल स्टॉक में हमें क्या देखने मिलने वाला है उसके लिए हम जाएंगे हमारे 1 आवर के चार्ट में और वहां पे आपका कल के लिए क्या सपोर्ट जोन और रेजिस्टेंस जोन जो स्टॉक पे बनता है उसको भी यहाँ पे आपको बता देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग जो है वो पड़ी है, हमें कोई भी एडिशनल मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये सारी की सारी मार्किंग जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में करी है तो यहाँ पे हमें कोई भी जो है अभी मार्किंग करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं हम यहाँ पे थोड़ा सा मुझे डेटा जो है थोड़ा सा अलग देखने मिल रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे मैं उस डेटा को जो है हेल्प से थोड़ा सा चेंजेस यहाँ पे कर लेता हूँ। अब बात करते हैं इसके क्लोजिंग की, 450.50 के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है, 449.80 मतलब 450 यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर जो है यहाँ पे उसको हम एज अ एक डायरेक्ट सपोर्ट मानेंगे। उसके बाद यहाँ पे 454 का यहाँ पे अगला मतलब डायरेक्ट रेजिस्टेंस जोन जो है वो आता है। तो याद रखें डायरेक्ट सपोर्ट से डायरेक्ट रेजिस्टेंस का जो एरिया होता है वो होता है नो ट्रेडिंग एरिया। तो यहाँ पे आपको इस बीच में स्टॉक कल घूमते हुए देखने मिले यहाँ पे आपको बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करना है, आपको वेट करना है दोनों में से किसी भी एक साइड में स्टॉक जो हमारा क्रॉस हो और फिर यहाँ पे आपको कंफर्मेशन कैंडल को देखते हुए अपना यहाँ पे ट्रेड लेना है, चाहे वो सपोर्ट जोन साइड हो या फिर रेजिस्टेंस साइड हो। याद रखें हमेशा टारगेट जो थोड़ा सा उससे पहले रखे ताकि वो इजिली अचीव हो जाए। बाकी यहाँ पे बात रही कॉन्सेप्ट की किस तरह से कन्फर्मेशन कैंडल देखना है, वो सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोज में कही है तो कोई भी हमारा स्टॉक का जो पुराना वीडियोज देख ले ताकि यहाँ पे आपको जो समझ में आ जाए कि किस तरह से जो आपको ट्रेड लेना है, कंफर्मेशन कैंडल किस तरह से देखने है, टारगेट किस तरह से डिसाइड करना है, सारी की सारी बात जो हमने हमारे पुराने वीडियोस में कही जो आपको यहाँ पे 8 या 9 मिनट का जो वीडियो देखने मिल जाएगा उससे आप जरूर देखें ताकि यहाँ पे आपको जो कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। अब बात रही यहाँ पे मेरे ओपिनियन की, तो उससे पहले मैं आपको कल के लिए 2 सपोर्ट और 2 रेजिस्टेंस जो बता दूं आफ्टर डायरेक्ट सपोर्ट और डायरेक्ट रेजिस्टेंस। तो डायरेक्ट सपोर्ट का अगला सपोर्ट आता है 443.90 का, उसके बाद का यहाँ पे सपोर्ट आता है 437.30 का। यहाँ पे डायरेक्ट रेजिस्टेंस के बाद अगला रेजिस्टेंस आता है 457.85 का, उसके बाद का रेजिस्टेंस आता है 463.20 का। तो यहाँ पे मैंने आपको 2 सपोर्ट
और दो रेसेस जो है आपको यहाँ पे बता दिए हैं, तो कल जरूर जो है उसी को कंसिडर करते हुए जो अपना यहाँ पे ट्रेड ले। अब बात रही यहाँ पे आज के क्लोजिंग के बेसिस पे कल के लिए, तो यहाँ पे मेरा ओपिनियन स्टॉक में आज के क्लोजिंग के बेसिस में कहूंगा जरूर जो यहाँ पे कल के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव है मतलब यहाँ पे 50 EMA को यहाँ पे वापस से क्रॉस कर पाएगा नहीं, उसको हमें जो है जरूर वेट करना है, मतलब एक बार रिटेस्ट करने आ सकता है, इसलिए हम वेट करेंगे कल के दिन कि क्या यहाँ पे क्रॉस होगा या फिर नहीं। मेरे हिसाब से यहाँ पे कल के दिन नो ट्रेडिंग एरिया के बीच में जो आपको स्टॉक जो है घूमते हुए देखने मिलने वाला है, बहुत कम चांस है कि इसको क्रॉस करे, क्रॉस भी करेगा तो मुझे नहीं लगता है कल के दिन आपको जो है यहाँ पे ट्रेड करने का जो कोई यहाँ पे मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जरूर जो कल के दिन थोड़ा सा कॉस्टली काम करे, हमारा ओपिनियन कल के दिन इसमें पॉजिटिव है। आपका क्या ओपिनियन है हमें जरूर कमेंट करके बताना, और अगर आपको जो हमारा एनालिसिस पसंद आया तो कृपया हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।